हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे ANM के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ANM कोर्स क्या होता है, ANM कोर्स करने के लिए आपके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए, या ANM कोर्स अगर आप करते हैं तो उसमें फ़ीस कितना लगती है, एज कितना चाहिए होती है आपकी, या जब आप ANM कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपकी जॉब लगती है तो उसमें आपको सैलरी कितना मिलती है। तो फ्रेंड्स, इन सब टॉपिकों के बारे में इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप ANM कोर्स करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि ANM क्या होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो ANM होता है यह एक डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, ANM सिर्फ जो है कि लड़कियां कर सकती हैं, और इस कोर्स को करने के दौरान छात्रों को चिकित्सा से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, चिकित्सा से जुड़ी जो है कि इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। ANM कोर्स में छात्रों को मरीजों के इलाज में काम आने वाली वस्तुओं के रख रखाव, इनके बारे में जानकारी और उसको कैसे उपयोग किया जाता है, और जब डॉक्टर इलाज करते हैं तो उस समय उनकी मदद कैसे करनी है, यह सब जानकारी आपको ANM कोर्स में दी जाती है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ANM कोर्स करने के लिए आपके पास योग्यता कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड देखिए, अगर आप ANM कोर्स करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपका क्लास 10th पास होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ANM कोर्स को आप क्लास 10th पास करने की बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका क्लास 10th पास होना चाहिए और क्लास 10th में आपका 45% मार्क होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका क्लास 10th में 45% से कम मार्क है तब जो है कि आप ANM नहीं कर सकते, आपका 45% मार्क होना चाहिए। और फ्रेंड्स, क्लास 10th में आपका साइंस ज़रूर होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th में आपका साइंस होना चाहिए और साइंस में भी 45% होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर साइंस सब्जेक्ट में आपका 45% नंबर नहीं है तब जो है कि आप ANM नहीं कर सकते हैं। और फ्रेंड, जो आपका यह ANM होता है यह 2 साल का कोर्स होता है। जी हाँ दोस्तों, जब इसको आप करते हैं तो यह 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ANM अगर आप करते हैं तो उसमें आपकी फ़ीस कितना लगती है। तो फ्रेंड देखिए, फ़ीस की बात करें तो वह डिपेंड करता है कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आप प्राइवेट कॉलेज से ANM कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से ANM कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आप प्राइवेट कॉलेज से ANM करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी फ़ीस पड़ेगी वह 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ANM करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी फ़ीस लगेगी वह 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक लगेगी। वहीं पर अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से ANM करते हैं तब वहाँ पर जो फ़ीस लगती है वह 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक लगेगी। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा कम फीस लगती है। फ्रेंड्स, यह जो फ़ीस लगती है यह दोनों साल मिलाकर लगती है। जी हाँ दोस्तों, मतलब दोनों साल मिलाकर के आपका गवर्नमेंट में 70,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक लगेगा और प्राइवेट में आपका 3 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक लगेगा। तो फ्रेंड्स, इतना फीस जो है कि ANM कोर्स करने के लिए लगता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका ANM कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जब आपकी जॉब लगेगी तो उसमें आपको सैलरी कितना मिलेगी। तो फ्रेंड देखिए, सैलरी की बात करें तो वह डिपेंड करेगा कि आप जॉब कहाँ पर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं कि प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपकी गवर्नमेंट जॉब लगती है तब उसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वह 30,000 रुपये से लेकर के 35,000 रुपये तक रहेगी। वहीं पर अगर आपकी प्राइवेट जॉब लगती है तब जो आपकी सैलरी रहेगी वह 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक रहेगी। जी हाँ दोस्तों, यह स्टार्टिंग की सैलरी है। 10,000 से लेकर के 15,000 रुपये तक आपको प्राइवेट में मिलेगा, किसी भी हॉस्पिटल में लगते हैं या मेडिकल शॉप पर लगते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट में लगते हैं तब 30,000 से लेकर के 35,000 रुपये तक सैलरी रहेगी। धीरे धीरे जैसे जैसे आप पुरान होते जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो सैलरी भी आपकी बढ़ती जाएगी। तो फ्रेंड्स, यह था
पढ़ूंगा पूरा डिटेल से एएनएम कोर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक